राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए बस कुछ ही समय बचा है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। विपक्षी पार्टियों में वार प्रतिवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के बीच जमकर तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। अब भैया चुनाव है तो जुबानी जंग होनी तो बनती है, और बिना जुबानी जंग के चुनाव फीके लगते हैं। जुबानी जंग में एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी पीएम मोदी के आरोपों पर लगातार हमलावर हो रही है। दोनों के बीच लगातार टक्कर की जुबानी जंग जारी है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को घेर कर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और गहलोत सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वहीं प्रियंका गांधी भी पीएम मोदी पर लगातार हमला बोल रही है। प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खेले गए विक्टिम कार्ड का लगातार अपनी सभाओं में मजाक उड़ा रही है। चले जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को नागौर में मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे पिताजी को गोली मार दी है, जबकि उनको गुजरे हुए 40 साल हो गए हैं। खड़गे जी, आप ऐसे तो नहीं थे, मैंने तो गारंटी दी है कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ता रहूंगा। इसी के जवाब में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल प्रियंका गांधी ने एक सभा में कहा कि पीएम मोदी को झूठे आरोप लगाने आते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई गारंटियां दी है, इसमें बीमा से लेकर सामाजिक सुरक्षा भी शामिल है। हमने जो काम किया है वह प्रदेश की किसी भी सरकार ने नहीं किया। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं के दौरान कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर भी जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कई बार कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। पीएम मोदी ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सभा में स्वीकार किया है कि उनके विधायकों ने काम नहीं किया है, क्योंकि गहलोत तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे थे। इन आरोपों को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हमेशा मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटती रहती है और वोट बटोरने का काम करती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं वह कहीं भी नहीं हुए। मोदी जी केवल झूठे आरोप लगाते हैं, हमारी योजनाओं में कमी निकालने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब चुनाव है तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, और इन आरोपों और जवाबों का असर क्या होता है ये तो आने वाला 3 दिसंबर ही बताएगा कि जब किसी एक पार्टी के सिर पर जीत का ताज सजेगा। तब तक के लिए नमस्कार।